हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। इस साल ठंड की शुरुआत से वायु प्रदूषण ने देश को बेहाल कर रखा है। देश में सबसे ज्यादा वायु प्रदूषण वाले 15 शहरों में से यूपी के 6 शहर शामिल हैं, जिसमें गाजियाबाद, बुलंदशहर, हापुड़, ग्रेटर नोएडा समेत राजधानी लखनऊ भी शामिल है। ऐसा नहीं है कि यूपी के सिर्फ 6 शहरों में ही वायु प्रदूषण का बोलबाला रहा है, अन्य जिलों में भी कमोवेश यही हालत है। अब इस बिगड़ती हालत के लिए जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदारी सबकी बनती है। जीवन को सेहतमंद रखना है तो अपनी ओर से कदम उठाना ही पड़ेगा। जैसा कि कांग्रेस MLC दीपक सिंह ने विधानसभा सत्र के लिए बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में जाने के लिए किया। दीपक साइकिल से विधानसभा पहुंचे, बैठक में उन्होंने हिस्सा लिया। उन्होंने साइकिल से विधानसभा जाने का रास्ता इसलिए अपनाया ताकि सरकार का ध्यान बढ़ते वायु प्रदूषण की ओर जाए। कांग्रेस MLC दीपक सिंह ने ढूंढा विरोध का नया तरीका। बढ़ती प्रदूषण की समस्या पर सरकार को चेताने का प्रयास। घर से यूपी विधानसभा तक मास्क लगाकर साइकिल से आए। MLC ने कहा प्रदूषण की समस्या सड़क से सदन तक जाएगी। सड़क पर साइकिल चलाते और मुंह पर मास्क लगाए ये महाशय आम जन नहीं बल्कि जन नेता है। ये हैं यूपी से कांग्रेस के MLC दीपक सिंह, जो साइकिल चलाकर विधानसभा पहुंचे। इनको देखकर ये लगेगा कि ये शायद इको फ्रेंडली होने के साथ प्रदूषण से बचने के लिए मास्क लगाने का संदेश दे रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये साइकिल चला रहे हैं विरोध स्वरूप। इन्होंने सत्ता पक्ष का ध्यान प्रदूषण की समस्या की तरफ आकर्षित करने और उचित कदम उठाए जाने के लिए प्रतीकात्मक साइकिल वाला विरोध किया। इन्होंने कहा कि अपने आवास बहुखंडी डालीबाग से जो साइकिल चलाकर और मास्क लगा विधानसभा तक पहुंचे, वो उनका प्रदूषण की बढ़ती समस्या और इसे रोकने में नाकाम होती सरकार के खिलाफ है। दीपक सिंह ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार प्रदूषण की समस्या पर जरा भी गंभीर नहीं है, इसलिए अभी तक यूपी सरकार की तरफ से प्रदूषण की बढ़ती समस्या को लेकर कोई ठोस रणनीति सामने नहीं आई है। कांग्रेस MLC ने कहा कि यह एक ऐसी समस्या है जो हर व्यक्ति पीड़ित है और हम इस समस्या को लेकर सड़क से सदन तक जाएंगे। इसलिए उन्होंने अपने आवास से विधानसभा तक विधानसभा के पहले सत्र की सर्वदलीय बैठक साइकिल पर सवार होकर और मुंह पर मास्क लगाकर विधानसभा तक अपना विरोध दर्ज कराने आए। अपने इस विरोध से वो सरकार से अपेक्षा करेंगे कि वो बढ़ती प्रदूषण की समस्या पर गंभीरता से कोई ठोस रणनीति बनाए। सरकार ने संविधान दिवस के अवसर पर विधानसभा चुनाव पीछे किया है, उसको लेकर आज सर्वदलीय बैठक है। हमें हमारे संविधान का अनुच्छेद हमारे प्रदेश के जनता को, देश की आवाम को शुद्ध वातावरण, खुली हवा में सांस लेने का अधिकार देता है अनुच्छेद 21। तो सरकार को इसके पहले मैंने कई सारे पत्र लिखे, सदन में मामले उठाया, सत्राहोर के बाद महामहिम राज्यपाल जी को पत्र लिखा, सरकार उस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर रही है। तो मेरा ये विरोध स्वरूप सरकार को का ध्यान आकर्षित करने के लिए, सरकार बातें न करे, सरकार उत्तर प्रदेश के बढ़ते प्रदूषण पर ध्यान दे, क्योंकि देश के जहां 10 सबसे प्रदूषित शहरों की सूची आती है उसमें उत्तर प्रदेश के 8 शहरों का नाम आता है तो दिल दहल जाता है। कई सारी रिपोर्टों में देखा कि इस बढ़ते प्रदूषण की वजह से उत्तर प्रदेश के इन शहरों में जो सामान्य जीवन है वो 8 से 10 वर्ष कम हो जाता है। तो मुझे लगता है संविधान की अनुच्छेद 21 का भी अपमान हो रहा है। जन सरोकार की इस बड़ी सरकार उत्तर प्रदेश के जीवन हितों को, बच्चों के हितों को, यहाँ के लोगों को, निवासियों को शुद्ध हवा, शुद्ध पानी, शुद्ध वातावरण नहीं दे पा रही है। तो मेरा ये विरोध सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए है कि उत्तर प्रदेश के लोगों को जीने का अधिकार मिले, उत्तर प्रदेश के लोगों को स्वच्छ हवा लेने का अधिकार मिले, उत्तर प्रदेश के लोगों को शुद्ध वातावरण रहने का अधिकार मिले। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।